मुझ में है सैर, तुझ में है सैर, देखो जरा आ, सारी दुनिया में है ये सैर, मुझ में है सैर, तुझ में है सैर, देखो जरा आ, सारी दुनिया में है ये सैर। Here we go now. Yeah. बचना है हसीनो, एसपी आ गया। दुर्गा को कर देता है दीवाना, साली को कर देता है मदहोश, और जब खुद नाचता है तो उड़ा देता है सबके होश। बचना ऐ हसीनो, तो मैं आ गया। सास बहू बेटियां में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं अभिनेता पारस कल्लावत से, जो है स्टार प्लस के सीरियल मेरी दुर्गा के एसपी उर्फ ब्रिज। हरी हरी आंखें, लीन फिट बॉडी और बड़ा ही सजगारी, भाई ये तो है टीवी का मोस्ट वांटेड मुंडा। लेकिन रियल लाइफ में इन्हें मिल गई है अपनी रियल लाइफ हसीना। तो कैसी है पारस कल्लावत की रियल जिंदगी, कैसी होती है उनकी मॉर्निंग, कैसा है उनका घर, किस तरह के कपड़े और जूतों का उन्हें शौक है, कौन सा नाश्ता करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, और सेट पर मेकअप शेकअप लगाकर बन जाते हैं दुर्गा के हस्बैंड एसपी। तो सास बहू और बेटा में आज हम घर से हट तक का सफर करेंगे पारस कल्लावत के साथ, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह उनके घर जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम। हाय, एकदम बढ़िया, आप बताइए। नागपुर के रहने वाले पारस रियल लाइफ में बड़े ही संस्कारी है और अपनी मॉर्निंग गुड करते हैं भगवान की आरती के साथ। भाई भले ही मुंबई में अकेले रहते हो, लेकिन भगवान की पूजा करना इनका रूटीन है। पहले से पहले पूजा करता हूँ, सो अभी वो करते हैं, उसके बाद निकलते हैं शूट के लिए। आइए। सो अभी टेम्प्ररी मैंने भगवान को यहाँ रखा हुआ है, वैसे टेम्पल रूम आउटसाइड बाहर है, तो जब तक कुछ सेट नहीं करता हूँ तब तक मैंने ये सब यहाँ रखा हुआ है। पारस एक ट्रेन डांसर है और इनकी मॉर्निंग रूटीन होता है डांस एक्सरसाइज। जी हाँ, सुबह सुबह उठकर डांस करते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज तो हो जाती है और साथ साथ एज एन एक्टर इनके एक्सप्रेशंस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। डांस के बाद बारी है अब नाश्ता करने की। मेरा किचन है जहाँ पर मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। एंड भाई पारस बहुत ही डाइट कॉन्शियस है और एक खास तरह का नाश्ता करते हैं, तो चलिए चलते हैं पारस की रसोई में। एंड बाय द वे, ये मंगला आंटी है जो मेरा घर, मेरा रूम सब कुछ क्लीन करने में मेरी हेल्प करती है, सो हैट्स ऑफ टू हर। एक्चुअली मेरा रूम जितना ज़्यादा क्लीन रहता है, मेरा किचन क्लीन रहता है, मेरे कपड़े क्लीन रहते हैं, वो सब इनकी वजह से। आज पारस सास बहू और बेटिया के साथ अपना नाश्ता खुद बनाएंगे। ट्राई करता हूँ कि मुझसे थोड़ा ऑमलेट बन जाए। वैसे एनीवेज आई एम अ ब्राह्मण, बट लाइक जिम वाले जो ट्रेनर्स हैं उन लोग का यही कहना है कि आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको एग खाने चाहिए, सो आई हैव स्टार्टेड ईटिंग एग्स, सो आई एम वेजिटेरियन नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। भाई बैचलर है तो क्या गम है, थोड़ा बहुत नाश्ता तो बनाना आना चाहिए। और आज पारस बनाने वाले हैं अंडे की एक खास रेसिपी। मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ कुछ भी बनाता हूँ, अगर या फिर कोई और बना के देता है मुझे, सो आई विल यूज ऑलिव ऑयल। किचन क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, अगर नहीं है तो फिर सबसे पहला चीज वही होता है, आई क्लीन एवरीथिंग फर्स्ट। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है चोरी निकला, ये स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए मैंने, सो जस्ट सी। फंडे में फंडा, फंडे का अंडा, फंडे का फंडा। भाई पारस का नाश्ता तो बन गया, अब चूंकि अकेले रहते हैं इसलिए इनका ये खाना भी होता है बहुत ही स्पेशल। ये खाते हैं सैलड्स। रोज मैं ऐसे बॉक्सेस ला के रखता हूँ घर पे, ये दिस इज फ्रॉम सैलड स्टेशन जो कि ओशीवारा में है, दे प्रिपेयर सैलड फॉर मी
जिसमें वीट पास्ता देयर पनीर एंड बीट रूट अनियन सो देयर एवरीथिंग इन इट जो कि बहुत हेल्दी होता है और ये मिंट मेयोनीज़ है जो कि कहने में तो फैट फ्री है बट आई डोंट थिंक सो ये पूरा कम्प्लीटली फैट फ्री होता है थोड़ा तो फैट होता है इसमें बट स्टिल दिस फूड इज़ हेल्दी इट्स वेरी हेल्दी सो आई प्रेफर टेकिंग दिस बॉक्सेस डेली फ्रॉम सैलड स्टेशन में दो ला के रखता हूँ इन द मॉर्निंग आई हैव वन और एक रात में खाने के लिए लाइक डिनर के लिए सो बट माई सैलड इन दिस वेसल मैं पूरा इसमें डालता हूँ पहले This is a salad. I put mint mayonnaise in it. ये मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ जैसे की आदत है मुझे कुछ बनाने जैसा है भी नहीं Croutons. ये कस्टमाइज सैलड है जो कि स्पेशली मैं बनवाता हूँ आई टेल देम मुझे इसमें क्या क्या चाहिए लाइक बीट रूट अनियन स्वीट पोटेटोज पनीर वीट पास्ता एंड क्रूटन्स और इफ़ आई वॉन्ट सम फ्रूट्स इन इट तो कभी कभी पोमेग्रेनेट और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स दैट्स व्हाट आई ईट इन द मॉर्निंग ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है जिम से आने के बाद सो इट्स डन सो आई ईट दिस सैलड डन जो इनको रखता है फिट भाई सैलड तैयार है अब चलते हैं पारस की बालकनी में जहां वो बैठकर करते हैं अपना नाश्ता सबसे ज़्यादा मुझे कुछ पसंद आता है तो ये सैलेड है आई एम ट्रस्ट मी इट्स यम मुंबई में अकेले रहना किसी स्ट्रगल से कम नहीं लेकिन पारस बैचलर होते हुए भी अपने घर को काफी साफ सुथरा रखते हैं लेकिन उनकी कुछ आते हैं जैसे उन्हें कपड़ों और शूज का बहुत शौक है तो चलिए झांकते हैं उनकी अलमीरा में सो दिस इज माय वार्डरोब सो मैं जैकेट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सो आई कीप ऑन बाइंग जैकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट्स ग्रीन और लाइक ग्रे ब्लैक ऑल दिस काइंड ऑफ जैकेट मैं व्हेनेवर आई गो फॉर शॉपिंग मैं लेने जाता हूँ कपड़े बट आई एंड अप पिकिंग शूज़ फॉर माई सेल्फ दैट्स माई वीकनेस दिस इज़ वन वार्डरोब एंड दिस इज़ द अदर वन आई कीप ऑल माई टी शर्ट्स ओवर हियर इन दिस वन एंड लाइक इतने अच्छे से सेट नहीं किया हुआ है मेरा वार्डरोब सो कोई सर्वेंट नहीं रखा है अब तक कोई 24/7 सर्वेंट अब तक रखा नहीं है बट आई एम थिंकिंग टू कीप वन So that they can manage everything क्योंकि मैं भाई कपड़े तो देखिए लेकिन अब देखते हैं पारस का शू कलेक्शन ये बहुत गंदी तरीके से रखे हुए शूज आई लव देम बट लाइक टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं इसे अच्छे से सेट नहीं कर पाया दिस इज लाइक फ्यू ऑफ माई शूज कुछ शूज बाहर पड़े हुए क्योंकि अंदर जगह नहीं बची हुई आई नीड टू बाई अ न्यू शू रैक फॉर माई सेल्फ जब लिया था तब आई हैड लाइक 35 or 36 pairs of shoes, but now it's 75. So I keep on buying shoes every month. Like these are the other collection. So my favorite brand for shoes is Under Armour. So I keep on buying Under Armour sports shoes. So I think this is my favorite shoes for my workout. That's Under Armour. What's the name? You say like they. जब भी वो लोग कोई US जाता है इंडिया के बाहर जाता है, so I just order Under Armour shoes for myself. जो इंडिया में नहीं मिलते. This is one of them. This is micro collection. I got it from Kooves. So this is one of my favorite shoes. जो कि मैं बहुत rarely पहन पाता हूँ just because it's like very bright golden color. Casual kind of shoes. This is one of my favorite. Adidas. ये मेरे life के second shoes थे. जब मैं मुंबई आया था तो मैंने सबसे पहले मेरे dad ने मुझे लेकर दिए थे कि तुम audition जाओगे तुम जिम जाओगे सो तुम ये पहन के जाना दिस विल बी योर लकी शूज सो थैंक यू सो मच डैड फॉर दिस वन ये मुझे कभी फेंकने का मन नहीं करता बहुत कम पहनता हूँ आजकल बहुत रेयरली पहन पाता हूँ बट स्टिल आई मेंटेन इट आई ये चीज़ मैं दिमाग में रखता हूँ कि ये शूज़ कभी ख़राब ना हो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शूज़ रखे रखे ख़राब हो जाते हैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये शूज़ को निकालता हूँ आई क्लीन इट एंड देन आई कीप इट बैक फेवरेट शूज़ भाई इतने सारे शूज के बीच में ये चप्पल बड़ी ही खास है तो क्या है इस फ्लिप फ्लॉप वाली चप्पल का राज स्लीप वेयरिंग दिस स्लीपर्स कभी कभी सो भी जाता हूँ मैं पहन के बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल मुझे पता भी नहीं चलता लाइक आई एम वेयरिंग समथिंग आई रोम अराउंड वेयरिंग दिस स्लीपर्स इट्स क्यूट बहुत ज़्यादा क्यूट भी है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है एंड थैंक यू सो मच अर्फी बॉडी अब जरा देते हैं पारस के घर का टूर और देखते हैं कि घर को इस बैचलर ने कैसे सजाया है घर ये कुछ दिन पहले लिया हुआ है तो कुछ भी फर्निश नहीं है प्रॉपरली फर्निश नहीं है आई लिव अलोन
मेरे मॉम डैड नागपुर में रहते हैं, सो मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता था. तो दिस इज़ माई हॉल, ये इज़ द बालकनी, ये मेरा बेडरूम है. अच्छी बालकनी. सो ये मेरे फ्लैट का बेस्ट पार्ट है, इसी वजह से मैं ये अपार्टमेंट में रहता हूँ. द व्यू ये 24th फ्लोर से व्यू है. मैं यहाँ पे कुछ महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ और रीज़न यही है, इस एरिया का जो व्यू है, ये अपार्टमेंट से जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. और ये स्पेशली जब मैं रात को वापस घर आता हूँ तो मैं कुछ टाइम यहाँ पर बैठ के स्पेंड करता हूँ. आई एम लाइक अ पर्सन जो ज़्यादातर टाइम अकेला स्पेंड करना पसंद करता है. आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई डोंट गो फॉर पार्टीज, आई डोंट चिल आउटसाइड. सो आई प्रेफर सिटिंग ओवर हियर, या फिर मेरा क्लब हाउस है जहाँ पर मैं बैठता हूँ. सो उसके अलावा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है. सो कभी भी मुझे कुछ भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं बाजू से जाकर ले लेता हूँ, या फिर पास में ओबरॉय मॉल है. सो इट्स लाइक मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रैवल. और यहाँ से मेरा सूर्य भी बहुत ज़्यादा ही पास है. लाइक इन द मॉर्निंग इफ देयर इज़ नो ट्रैफिक तो 15 मिनट लगता है मुझे सूर्य पहुँचने में. और यहीं बाजू में फिल्म सिटी भी है, सो जब भी फिल्म सिटी में शूट होता है तो वो भी बहुत पास पड़ता है. अब वक्त है सेट पर जाने का, तो शूज वूज पहन कर बैग वैग उठा कर पारस तैयार है अपने सेट पर जाने के लिए. सो राइट नाउ लिविंग फॉर द शूट. जितना टाइम मैं घर पे स्पेंड करता हूँ सर, कई गुना ज़्यादा मैं शूट पे टाइम स्पेंड करता हूँ. सारी मस्ती वहीं पे होती है, घर पे बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ है. सो लेट्स गो. पारस रहते हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में और इनका सेट है पवई में. जाने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगता लेकिन ट्रैफिक की वजह से सफर लंबा हो जाता है. पारस अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी, उसके बाद ये मॉडल बने और लंबी स्ट्रगल के बाद इन्हें अपना पहला ब्रेक मिला मेरी दुर्गा में. डांस अकेडमी ज्वाइन की, 3 महीना वहाँ पे उनसे डांस सीखा. उनके जितने भी बेस्ट कोरियोग्राफर्स हैं उन सबसे डांस सीखा. सो सारे फॉर्म्स का डांस में थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखने मिल गया मुझे. उसके बाद फिर मैं ब्लैंक, अब क्या करूँ, अब मैं डांस तो सीख लिया, अब ऑडिशंस कहाँ दूँ. तो फिर मुझे टेरेंस सर ने, एक उनकी स्टूडेंट है भावना पनी जो कि मेरी मैं उन्हें सिस्टर मानता हूँ अपनी, सो उनसे मेरी बात करवाई, उनसे मैं टच में आया. शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ ऑल्सो डांसर, वेरी गुड डांसर. सो मैंने उनसे बात की, उनने मुझे कुछ नंबर्स दिए. मिनट्स लाइक आई गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, सो दैट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. सो I feel so good, like I'm blessed to have all this kind of fans and like followers जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, like unconditional love. कुछ ऐसा नहीं कि they ask me for something without any reason, they love me so much. I'm glad, I'm very happy. ये set है हमारा, ये मेरे घर का exterior है. So this is the exterior and अभी ये कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है, लाइक सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है. लेकिन जब भी यहाँ इस एरिया में शूट होता है तो सब कुछ सेट करते हैं प्रॉपरली. दिस इज द एंट्रेंस जहाँ पर मैं रूम्स में जाएंगे अपने. सीधा चलते हैं पारस के मेकअप रूम में. दिस इज माय रूम. बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं अभी के लिए क्योंकि वहाँ पर नए रूम्स बन रहे हैं स्टूडियो के उस साइड पर, तो उसे कुछ टाइम है. आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 month फॉर दैट. और स्पेशली मैंने यहाँ रूम में ये लिखा हुआ है, किसी ने लिखा नहीं है बट इट्स फॉर मी. मेरी दुर्गा के सेट पर ही पारस ने हमें अपनी ऑन स्क्रीन बीवी दुर्गा से मिलवाया. और ये देखिए जब प्रिंस और दुर्गा मिलते हैं तो रोमांस शुरू हो जाता है. Meet मेरी दुर्गा. She is very sweet girl. सबका ख्याल रखती है सेट पे. बहुत हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, यू नो. हम लोग हमेशा जब भी मतलब अगर डायरेक्टर से कट बोलते हैं, कट बोलने से बोलने के एकदम एक सेकंड बाद हम लोग की मस्ती स्टार्ट हो जाती है. Delight to work with him, having a lot of fun, सारी scenes. अब जाके I think और ज़्यादा क्योंकि टाइम हो गया है, we were always comfortable as friends off screen. But I think on screen now even Durga and SP become comfortable with each other. Yeah. Become very comfortable each other as actors. भाई रोमांस के बाद अब वक्त है तैयार होने का क्योंकि पारस को शूटिंग भी करनी है. तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं पारस से वो SP.
हरी हरी आंखें कैसे सजती हैं, कैसे निखरता है चेहरा और बालों को कैसे सवारा जाता है, और आखिरकार तैयार होकर पारस बन गए एसपी। अब चलते हैं सेट पर, जहां आज पारस को अपनी बीवी दुर्गा के साथ कुछ घर के सीन्स देने हैं। शूटिंग के बाद अब ब्रेक टाइम, जो वो करते हैं अपने को स्टार्स के साथ। सो गाइस, अभी लंच ब्रेक हो गया है, लंच करने का टाइम हो गया। सो मेरा बैग में सैलेड, सो आई कीप माय सैलेड विद मी। कभी कभी तो मैं सेट का भी खा लेता हूँ, बट आज सैलेड है फॉर्चुनेटली, सो आई ईट माय सैलेड। शूटिंग के बाद अब लंच का वक्त है और अपना खाना वो सबके साथ बैठकर खाते हैं, तो देखते हैं उनके डब्बे में क्या है। भाई लंच के बाद मिलते हैं पारस के साथियों से, खासकर उनकी ऑन स्क्रीन साली, जिनके साथ उनका एक क्यूट सा रिश्ता है, और आज तो दोनों डांस भी कर रहे हैं। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म You should capture this, मेरी बिंदी यहाँ है। I don't know ये कब आई। Oh, ये मेरी है, ये मेरी है। लगी नहीं लगी। So this is our group. Yes. We love our son so much. Yeah. On screen only. Real son. Real son नहीं है ये हमारा बड़ी है। नहीं, आपका वाला real son on screen. Yes. और बाकी एक दूसरे भी है जो मेरे डैड का भी डैड को पता नहीं चला है। पारस का अलामत पारस शर्मा और आईज ग्रीन कलर, और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को लेंसेज पहनने पड़ते हैं ये छुपाने के लिए। हाँ, लेकिन आजकल तो मैंने लेंसेज पहनना छोड़ा, आजकल सीक्रेट मैंने भी छोड़ दिया। शूटिंग के बीच में ही पारस के मम्मी पापा का फोन आया, और लगे हाथों हमने की पारस के मम्मी पापा से बातचीत फोन पर सीधा नागपुर से। हाँ, कल 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और कैसे होगे तुम, शूट पे हो क्या? हाँ, मैं शूट पे हूँ अभी। अच्छा, ये जो आज तक की जो टीम आई है, ये आपका इंटरव्यू लेने आई है? हाँ हाँ पापा, इंटरव्यू है। अच्छा, वेरी गुड। ओके। वैसे रियल लाइफ में पारस सिंगल नहीं है, उन्हें मिल गई है उनकी रियल लाइफ दुर्गा। जी हाँ, पारस की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड का नाम है उर्फी, और पारस के सोशल मीडिया अकाउंट में उनकी लव स्टोरी की कहानियाँ दिखाई देती हैं। दिवाली के पहले अपलोड की थी, दिस इज द पिक्चर। लड़कियाँ हैं जो अब वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई होंगी, और सब लोग हार्ट ब्रोकन हो गए होंगे। Actually, they all know. पूरे दिन की शूटिंग और भागदौड़ के बाद अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। इंटरव्यू करके आप लोग को देखने मिला कि मैं दिन भर क्या करता हूँ। वैसे तो ये एक छोटा सा पार्ट है, कभी कभी मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत डिफरेंट भी होती है। कभी सेट पर आओ, तुरंत शॉट लगता है, बहुत बिजी शेड्यूल चलता रहता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। अभी थोड़ा बहुत ना रिलीफ भी है, थोड़े ब्रेक मिल जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और जैसे आज लेट कॉल टाइम था मेरा, सो दैट्स अ जैकपॉट फॉर मी, वरना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता रहता। सो आई एम ग्लैड आप लोग को देखने मिला कि मैं कैसे रहता हूँ। तो उम्मीद है टीवी के इस हरी आंखों वाले लड़के के साथ पूरा दिन बिताकर आपको पारस कलनावत के बारे में वो बातें पता चली होंगी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट और इंटरनेट पे भी ना मिली हो, मिली है तो सिर्फ सास बहू और बेटिया में। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो। सारी दुनिया।